वाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आज तो मेरी बहन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ एक और दुआ देते हैं भाई। कैसी दुआ? यही कि अहमद आप जैसा बिल्कुल ना हो। क्या मतलब हाला? पता नहीं, मैं आपको इस बात की वजाहत नहीं दे सकती, लेकिन मेरी अल्लाह से यही दुआ है अहमद आपके जैसा शौहर ना निकले। हाला कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ, घर वालों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ कैसा सलूक है असल बात तो ये है असरा। भाई आप एक बात याद रखिएगा, जो तकलीफ जुबान से बयान ना की जाए ना, उसकी तकलीफ बहुत खतरनाक होती है। काश काश के मेरा शौहर आप जैसा खतरनाक इंसान ना हो। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? अच्छा, मेरे बारे में मेरी बहन से तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। हाला हाला बताओ ना, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। असरा ने मुझसे कुछ नहीं कहा भाई, उसकी ये बुझी आंख, उसके ये कांपते हुए हाथ साफ जाहिर करते हैं कि उसके साथ आज तक कुछ अच्छा नहीं होता आया। तुम तो मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रही हो जैसे मैं कोई बहुत जालिम शौहर हूं, मारता हूं, पीटता हूं, हंटर लेके इसके पीछे पड़ा रहता हूं। आज तक मैंने कभी इस पे हाथ नहीं उठाया। काश के हंटर लेके ही दौड़ते होते इसके पीछे, उसके जख्म भर तो जाते। लेकिन भाई जुबान से दिए हुए जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। हाला चुप कर जाओ। ठीक है, तुम्हें लगता है ना तुम्हारा भाई बहुत जालिम इंसान है। ओके, अपने वाले साहब को फोन करना और उन्हीं से कहना कि गाड़ी लेकर आए और तुम्हें ले जाए। और तुम भी, पता नहीं कौन सी झूठी सच्ची बातें तुमने इससे सुनाई हैं जो मेरे खिलाफ हुई है। नहीं, मैंने कुछ नहीं। तुम दोनों बाबा के साथ ही हैं। सुल्तान सुन, हाला ये क्या किया तुमने? तुम चली जाओगे लेकिन तुम्हारा भाई मेरा क्या हश्र करेगा, ये सोचा है तुमने? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब बातें करने की? कुछ बातें की नहीं जाती, बस हो जाती है खुद ब खुद। अच्छा, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें याद तो रहे तुम्हारी दोस्त ने जाते जाते थोड़ा सा तो दोस्ती का हक अदा किया। सच पूछो तो ये बातें जो मैंने आज की है ना, ये मुझे बहुत देर पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन तुम अपनी हक के लिए आवाज उठाती रहो। मैंने कोशिश की है हाला, बहुत बार कोशिश की है, क्यों कोई फायदा नहीं। करती रहो, लगी रहो। मैं मानती हूं कि मेरे भाई पत्थर हैं, लेकिन पत्थर में पानी की एक एक बूंद भी सुराख कर ही देती है। एहतजाज रिकॉर्ड करवाती रहना, इनकलाब एहतजाज के बाद ही आता है। रिलैक्स।